હજુ 2 મહિના પહેલા જ મમતા દીદી સાથે રાજકીય ગોઠવણબાજીની ટ્રાય કરનારા મોદી માટે મમતા બેનર્જી હવે ભ્રષ્ટાચારી બની ગયા છે। મમતા બેનર્જી કોઈ કાળે એનડીએ ગઠબંધનનો ભાગ નહીં બને તેવી ખાતરી થઈ જતા હવે મોદીએ મમતા દીદી સામે ખુલીને તીર છોડ્યા હતા, જેના કારણે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પણ મોદીથી ખાસી ખફા છે। મમતા દીદી कहां गई आपकी ममता? बंगाल के लोगों ने आपको कितनी आशा भरी नजरों से देखा था, पूरे बंगाल ने आपको ममता दी थी, आपने उस ममता का क्या कर दिया? मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं, क्या कर दिया आपने? बंगाल के लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया। अरे कुर्सी का इतना मोह होता है। गुस्सा में ममता दीदी की पार्टी ना नेता डेरेक ओब्रायन न बोलवानू बोली गया। एक समय टीवी पर क्विज कॉन्टेस्ट चलावनारा डेरेक ओब्रायने मोदी ने गुजरात ना कसाई गणाव्या। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he is indulging in personal unsubstantiated attacks. The butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. Paintings were not sold for personal gain. The money for those paintings was used for good causes, as well as the money was used to fund elections, and that's why the Trinamool Congress has been, it's a priority. Electoral reforms are a priority for Trinamool Congress. So today, in fact, the butcher of Gujarat was sounding like the butcher of Gujarat and also a CPIM spokesperson. Brian na ava nivedanno bhajape zordar virodh karyo to Congress se andar khane maza lidi. हिंदुस्तान के सभी नागरिक जानते हैं कि गुजरात में जो हुआ वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था। सरकार का क्या रोल उसमें था किसी से छुपा हुआ नहीं। अब उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग पार्टी कह रही कमेंट्स किए थे, जिसके जवाब में ये हरकत हुई है। लेकिन हम समझते हैं कि जाती हमले ठीक नहीं हैं और नहीं करना चाहिए, और जिस किस्म का उनके किसी लीडर ने बयान दिया है हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जहर की खेती से शुरू होकर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आपत्तिजनक भाषा में लगाए जा रहे हैं, उसके 3 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी सारे दल दूसरी तरफ हैं। दूसरा, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जिस कारण से हमारे सभी विरोधी दलों के पास ना कोई मुद्दा रह गया है और ना उनके पास अब शब्द बचे हैं। टीएमसी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं श्री नरेंद्र मोदी। कल भी मैंने कहा उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे, कभी उन्होंने मर्यादाहीन और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये कौन सी भाषा है? मोदी जी बोल रहे हो जीजा, जी, दामाद, श्री और माँ बेटी के साथ, ये कोई भाषा होती है किसी इतने वरिष्ठ नेता की? तो मैंने तो हमेशा, कल भी कहा मैंने भारतीय जनता पार्टी से कि आपको हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में आखो मामलो मोदी ना एक निवेदन थी शुरू थयो। मोदीए बंगाल की एक रैली में एवं कह્યું હતું કે મમતા બેનર્જીની પેઇન્ટિંગ ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीदनारो व्यक्ति कौन है? મોદીએ પોતાના નિવેદનથી એક રીતે તો મમતા બેનર્જી સામે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ જ લગાવ્યો। એક તો આમ પણ શારદા ચીટફંડ ગોટાળાને કારણે દીદીનું નામ બદનામ છે, એવામાં હવે મોદીએ મુશ્કેલી વધારતા તૃણમૂલ કોંગ્રેસે વળતો જવાબ આપ્યો। દીદીની નજીક ગણાતા એવા મુકુલ રોયે કહ્યું કે કાં તો મોદી પોતાના નિવેદન પર માફી માગે અથવા માનહાનિના કેસનો સામનો કરે। મોદીની સમસ્યા એ છે કે જો ભાજપને ઓછી સીટ મળી તો મમતા બેનર્જી જેવા નેતાનો સાથ લેવો પડશે, परंतु दीदी मानवा तैयार नहीं। बीजी तरफ दीदीनी समस्या ए छे के तेओ पण सत्ता में भाग लेवा इच्छे छे, परंतु पश्चिम बंगाळना मुस्लिम मतदारों ने नाखुश करवानुं साहस तेओ करी शकता नहीं। परिणामे दीदी और मोदी वच्चे लड़ाई थवी स्वाभाविक हती। परंतु चूंटणी परिणाम पछी शुं थाय छे ते जोवुं पण એટલું જ રસપ્રદ રહેશે। વીટીવી બ્યુરો।